पेंटिंग इज ऑलवेज फैसिनेटिंग. आज यहाँ इस कॉम्पिटिशन में हम कंटेस्टेंट्स की पेंटिंग स्किल्स को टेस्ट करेंगे. ये दीवार जो इस वक्त बिल्कुल सादी है, इसे रंगों से खूबसूरत बनाना है. इससे पहले कि हम कंपटीशन शुरू करें, चलिए मिलते हैं आज के कंटेस्टेंट से. एनएसी के 5 पेंटिंग और डेकोरेशन स्टूडेंट तिरुपति, जमील, श्रीनिवास, मंगल और भूपति के बीच होने वाला है पेंटिंग कंपटीशन. इन पेंटिंग हुनरबाजों को 5x5 की एक दीवार पर कलर पेंट करना है और उसके बीच बने 2x2 के सेक्शन में टेक्सचर पेंटिंग करनी होगी. एक ही दीवार पर कलर पेंट और टेक्सचर पेंट होने की वजह से इन हुनरबाजों को कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना होगा. काम सफाई से करना होगा, दी हुई सीमा रेखा के अंदर करना होगा और सबसे जरूरी, दिए हुए 30 मिनट्स में पूरा करना होगा. तो आप सबका समय शुरू होता है अब. अब स्टार्ट होता है कंपटीशन. अपना अपना टेक्सचर पेंट और पेंटिंग में यूज होने वाले औजार लेकर इन्होंने शुरू कर दिया अपना काम. टेक्सचर पेंट को सबसे पहले लगाएंगे क्योंकि इसे ड्राई होने में वक्त लगता है. कलर पेंट और टेक्सचर पेंट अपने आप में दो अलग अलग स्किल्स हैं, इसीलिए इन हुनरबाजों का काम इतना आसान नहीं होगा. ये मेरा फेवरेट कलर है. इसलिए मैं लिया. अच्छा. अरे ये क्या हो रहा है प्रिंसी, क्या बात है, तिरुपति जी ने तो आपका फेवरेट कलर चुन लिया. मौसम बड़ा गुलाबी हो गया है. टेक्सचर पेंट में ब्रश का उतना इस्तेमाल नहीं है जितना कन्नी का, जिससे टेक्सचर पेंट में फिनिशिंग दी जाती है. तिरुपति और जमीर ने तो वॉल पेंटिंग भी शुरू कर दिया, लेकिन श्रीनिवास और भूपति तो अब तक टेक्सचर पेंट स्मूथ करने में ही लगे हैं. साधारण पेंट में थिनर मिलाते समय सही मात्रा का ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि पेंट अगर गाढ़ा हुआ तो उसे लगाने में मुश्किल होगी और पतला हुआ तो कलर फीका हो जाएगा. बातों ही बातों में सारे हुनरबाज टेक्सचर पेंट खत्म करके शुरू कर चुके हैं वॉल पेंटिंग. पर जॉब करना लक्ष्मण रेखा के अंदर ही, क्योंकि अगर बाहर गए तो मार्क्स कट जाएंगे. यही 5x5 की मार्किंग के अंदर ही पेंट करना है और बस 30 मिनट में, जो कि घट के अब बस 8 मिनट रह गया है. अभी सबसे आगे चल रहे हैं भूपति जी और उनके बाद बड़ी तेजी से हाथ चला रहे हैं तिरुपति जी. भाई जमील, क्यों दे रहे हैं काम में इतनी ढील? श्रीनिवास, मंगल, अब आप भी अपनी रफ्तार बढ़ाइए, टाइम निकला जा रहा है. भूपति और तिरुपति ने तो अपने टेक्सचर में डिजाइन निकालना भी शुरू कर दिया. और ये देखिए, देखते ही देखते तिरुपति जी निकल गए हैं सबसे आगे. अब सिर्फ टास्क के 3 मिनट बचे हैं और लगभग सारे हुनरबाज फिनिशिंग की ओर हैं. पर याद दिला दूं, जिसके काम में दिखेगी सबसे ज्यादा सफाई, उसी को मिलेगी जीत की मलाई. और अब होता है टास्क का टाइम फिनिश. 30 मिनट का जो समय इन्हें दिया गया था चैलेंज को पूरा करने के लिए, वो अब खत्म होता है. टाइम हो गया श्रीनिवास जी, आपका काम खत्म नहीं हुआ, आप हो गए डिस्क्वालिफाई. अब हमें ये जानना है कि इस चैलेंज का विनर कौन है. इसमें हमारी मदद करेंगे हमारे मेंटर्स. टाइम और क्वालिटी के आधार पर तिरुपति ने न केवल सबसे कम समय बल्कि क्वालिटी का ध्यान रखते हुए पेंटिंग को खूबसूरती से अंजाम दिया है. प्रिंसी, मैं सोच रहा था कि क्यों ना इस बार हुनर की बात मैं ही कर दूं. सनी, यू नो व्हाट, मुझे लगता है कि तुम्हारे दिमाग की कंडीशन भी कुछ ठीक नहीं है. आप लोग टेंशन मत लीजिए, इस हफ्ते हमारे बीच सनी नहीं है बल्कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के एक खास शख्स है, जो न केवल टपकती हुई छत का इलाज बताएंगे बल्कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज और स्किल रिक्वायरमेंट्स के बारे में भी हमें बताएंगे. निरंजन जी, हिरानंदानी कंस्ट्रक्शन पूरे देश में मशहूर है और आपने एक ऐसा प्रयास किया कि सिर्फ बिल्डिंग नहीं बना रहे हैं आप, एक समुदाय के लिए
पूरी सुविधा के साथ एक टाउनशिप में बना। ये आइडिया आपको कैसे आया, कहाँ से आया? मैं काफ़ी बिल्डिंग पहले भी बनाता था बिफोर टाउनशिप्स के पहले जी, और वहाँ एक हम अच्छे मकान बनाते थे लेकिन एक मकान से बाहर देखते थे तो ये ऐसे लग रहा था कि हम कहाँ बनाएं। तो मकान अच्छे बन जाते थे लेकिन जो कम्युनिटी थी उसमें कोई साधन नहीं था या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थी, स्कूल नहीं, हॉस्पिटल नहीं, क्लब हाउस नहीं, स्विमिंग पूल नहीं। तो एक विचार आया कि जब हम घर जाते हैं आराम और सुकून मिले, तो उस हिसाब से हमने सोच विचार किया कि एक टाउनशिप हम बनाएं जहां कम्युनिटी एक खुश रहे। आपको क्या लगता है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में स्किल डेवलपमेंट कहां तक पहुंचे हैं, उसकी क्या क्या ज़रूरत है? लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में देखें जी, तो एक शॉर्टेज बन गई है। अच्छा, क्योंकि काफ़ी टाउनशिप्स आ गए हैं, रोड्स के इंफ्रास्ट्रक्चर शुरुआत हो गई है जी, तो लोगों की रिक्वायरमेंट 10 गुना 100 गुना बढ़ गई। एक तरफ लोगों को काम नहीं मिल रहा जी, वो चाहते हैं कि हमें काम मिले, और दूसरी तरफ हमें स्किल वर्कर नहीं मिलते। लोग ये नहीं जानते हैं कि वो बीकॉम करेंगे लेकिन वो स्किल डेवलपमेंट करेंगे तो उनका पगार 5 गुना ज़्यादा होगा। माय गुडनेस, ये इनका रंजन जी का कहना है कि अगर आपको बीए कॉम करेंगे तो आपको इतना ही पगार मिलेगा, लेकिन आप डायरेक्टली वोकेशनल एजुकेशन में जाएं और प्लम्बर या इलेक्ट्रिशियन बने तो skill, आपका स्किल पकड़ के 5 गुना या 10 गुना हो सकता है जी। ये जो मेन चीज़ें आपकी कंस्ट्रक्शन में जाती हैं उसके स्किल डेवलपमेंट में आप क्या सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए? मेरे अंदाज से स्किल डेवलपमेंट हमारे पास नहीं हो तो कंस्ट्रक्शन वर्कर हमें इम्पोर्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी। You will not be able to do इतना लेबर होते हुए भी हमको बाहर से लेना पड़ेगा, क्योंकि आप बुलेट ट्रेन बनाना चाहते हैं और आपके पास वर्कर नहीं है, और 3 साल के अंदर आप मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, बैंगलोर, चेन्नई, कलकत्ता आप करना चाहते हैं, आप स्किल वर्कर नहीं करेंगे यहाँ के तो आपको इम्पोर्ट करना पड़ेगा। हम कर रहे हैं जी, बट मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ जी। लोग ये कहते हैं कि हम फास्ट जा रहे हैं जी, लेकिन हम बैलगाड़ी के ऊपर बैठ के फास्ट जा रहे हैं, तो ऐसे लग रहा है कि फास्ट 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 फास्ट। और वहाँ बुलेट ट्रेन में आराम से बैठ के जा रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि हम इससे ज्यादा रफ्तार हम करें या नहीं करें, जिसे हम कहें कि 7 घंटे में बुलेट ट्रेन में हम दिल्ली बॉम्बे से पहुंच जाएं। जब तक हम ये बुलेट कार्ट से उतर के बुलेट ट्रेन में नहीं बैठेंगे तो हम रह जाएंगे बाहर। अरे क्या बात है, बहुत इंस्पायरिंग बात आपने कही। एक और बात, काफी लोग हैं जो स्कूल में फिट नहीं है, डिसलेक्सिक स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, अरिथमेटिक नहीं कर सकते, लैंग्वेज नहीं कर सकते हैं, फिजिक्स नहीं कर सकते हैं, भूगोल नहीं कर सकते, बिल्कुल, लेकिन आप उनको स्किल दे दो, हाथ का काम दे दो, तो उनकी स्किल सेट्स सबसे ज़्यादा है। तो लार्ज नंबर ऑफ डिसलेक्सिक स्टूडेंट्स मस्ट शिफ्ट फ्रॉम एजुकेशन इन फॉर्मल स्कूल्स टू स्किल डेवलपमेंट। नो क्लासरूम्स, उसको हम ईमेल या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या स्काइप से लेके उसको वहाँ साइट पर ही हम दिखाएंगे, तो हम क्लासरूम्स भी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जो है एक्चुअली इंडस्ट्री को ही लेके क्लासरूम बना रहे हैं। देखिए, एक विलायत में आप जाइए, जर्मनी जाइए, तो वहाँ जो प्लम्बर है उसको ऑर्डिनरी इंजीनियर से ज़्यादा पगार मिलता है, लेकिन उसके पास पूरा इक्विपमेंट रहता है, वो जानता है कि कैसे एक आइटम करें, जल्दी से करें, उसकी क्वालिटी कैसे करें, डिलीवरी कैसे करें, और एक आदमी 10 आदमी का काम करता है। और समाज में इज्जत है? इज्जत बहुत है। तो प्लम्बर का मकान हो तो उसके बगल में कोई सीनियर ऑफिसर भी रहता हो तो उसको बुरा नहीं लगता। तो निरंजन जी, जो आप स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं जी, उसको थोड़ा हम बताएं, इसमें आपका सिस्टम पढ़ाना कैसा है और किस तरह से आप चाहते हैं कि लोग इसमें एंट्री आएं? इसमें 3 स्टेजेस हैं। जो स्टेजेस हमने आपको बताया कि एक कम्युनिटी डेवलपमेंट है जहाँ हमारे पास कोई सेट फॉर्मूला नहीं है, आया भाई को ट्रेनिंग के लिए कोई सिलेबस अभी तक नहीं बनाया, थैंक गॉड, और कम्युनिटी कॉलेजेस में हम सिलेबस कर रहे हैं तो उनको फॉर्मल सिस्टम बना रहे हैं, लेकिन हर एक में 70% फील्ड, 30% क्लासरूम पर हम जोर देते हैं। अच्छा, एंड थर्ड एक सिचुएशन हम कर रहे हैं जहां हम कंपनी के द्वारा सब कर रहे हैं, जैसे हमारे कंस्ट्रक्शन साइट्स पर हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं अलॉन्ग विद द स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, शुरू हो रहे हैं। एंड अल्टीमेटली देयर विल बी 4th ईयर वेयर वी आर थिंकिंग ऑफ गेटिंग ITI इक्विवेलेंट ट्रेनिंग। सो कम्युनिटी डेवलपमेंट इज द लोएस्ट एंड, सेकेंड इज द कम्युनिटी कॉलेज, ITI इज द 3rd लेवल,
एंड द फोर्थ लेवल इज आवर साइट वर्क। रंजन जी, ये स्किल डेवलपमेंट का जो एक इनिशिएटिव है, प्रयास है, उसको हम एक ऑल इंडिया रूप कैसे दे सकते हैं? ऐलान कर दो, ये होना है, और कैसे हम करना चाहते हैं वो ही उसकी बात हम करें, कैसे हम जल्दी कर सकते हैं वो बात करें, जो लोग इसमें पढ़ाई करते हैं, सीखते हैं, उनको कैसे इमीडिएटली काम मिले, उसको फर्दर कैसे हम एजुकेट करें कि दो साल के बाद फिर रीस्किलिंग करें कि नेक्स्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से, और वर्ल्ड में लोग ये सोचें कि द बेस्ट प्लम्बर्स इन द वर्ल्ड आर फ्रॉम इंडिया, द बेस्ट मेसन्स इन द वर्ल्ड आर फ्रॉम इंडिया, द बेस्ट टेक्नीशियंस इन द वर्ल्ड आर फ्रॉम इंडिया। सो जैसे हमारे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स अमेरिका गए थे एक जमाने में, वैसे हमारे प्लम्बर्स विल गो ऑल ओवर द वर्ल्ड आफ्टर 10 years and say they are the best plumbers in the world. तो ये सब अचीव करने के लिए धीरेन्द्र जी आपने किस तरह का लीड दिया है? एक हम एग्जाम्पल करना चाहते हैं जी कि एक इंस्टीट्यूशन संस्था कुछ काम कर सकते हैं जी जी। एक डायरेक्शन हमने दिया है, ये 6 महीने में हम 1,000 वर्कर्स को या लोगों को हम स्किल करेंगे, लेकिन इसको हम 30,000 वर्कर कैसे कर सके 5 साल के अंदर, जैसे हम वीडियो रिकॉर्डिंग करना शुरुआत कर रहे हैं। अच्छा। और उसको हम स्काइप से कैसे हम दिखाएं अलग अलग साइट्स। अच्छा। पर ट्रेनिंग कैसे हो? ट्रेनिंग जैसे हमें टीचर्स कमी पड़ेंगी, हमारे लेवल पर हम शुरुआत कर दी है। हाँ। और हम होप कर रहे हैं कि सरकार भी करेगी, स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भी करेगा, और हम भी इसके साथ साथ में कुछ सॉफ्टवेयर क्रिएट करेंगे, तो ये सब मिल के एक हमारी जो क्रांति है उसमें हम जुड़ जाएंगे। क्रांति में सबको एक तरक्की मिलेगी, एक जिंदगी का एक नया मिलेगा, और उसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है। निरंजन जी, बहुत 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 शुक्रिया, और आपने हमें बहुत इंस्पायर किया है।